हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, जिस जिसको संतरे का जूस पीना है तो जल्दी से मेरे घर आइए। और ये हाथ की बनी हुई जो मशीन होती है, नहीं मशीन हाथ की बनी हुई नहीं है, हाथ से चलने वाली जो मशीन होती है उसमें जूस निकाला जा रहा है। और इस मशीन की सबसे खास बात ये है कि इसमें ना जो पल्प होता है ना, वो जूस के साथ थोड़ा थोड़ा ऐड हो जाता है। मैंने खुद डिफरेंस महसूस किया है। मैंने दोनों जो ये बिजली से चलने वाली मशीन होती है उस वहाँ का भी जूस पिया है, और ये हाथ से चलने वाली मशीन का भी, और मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत नेचुरल सा टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, इसमें बीज नहीं ऐड होते। जो हम बिजली से चलाते हैं ना मशीन, उसमें ना कुछ बीज ना मिक्सी के साथ पिस जाते हैं, जूस में आ जाते हैं, और वो कड़वा कड़वा सा लगने लग जाता है। और आज जूस बहुत अच्छा निकला था, और मैंने अपने लिए स्पेशल जूस नहीं बनाया क्योंकि बाबू थोड़ा थोड़ा जूस छोड़ ही देता है। देखो, हर बार अपने लिए स्पेशल बनाती हूँ ना, तो विहान के हिस्से का जूस भी मुझे पीना पड़ता है। इसे थोड़ा सा पिया था, और आज कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल ओकेशन है, स्पेशल है। तो देखिए मम्मा ने क्या बना रहे हैं। मम्मी बना रहे हैं आलू के पकोड़े, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। हाँ, विहान ने 2-4 पकौड़े खाए थे। देखो, प्लेट में ठंडे करने के लिए पहले अलग से रख देते हैं, और ये ठंडे हो चुके हैं हमारे पकौड़े। आप भी खा लीजिए, आपको पकौड़े पसंद हैं तो। और ये मैंने बाबू को 3-4 पकौड़े खिला दिए जी। एक्सटेंशन बोर्ड तो मेरे पास रखा हुआ है। एक्चुअली आज कुछ सरप्राइज, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। पहले पापा जी बोलते हैं हम कुछ बना लेते हैं। और ये देखिए, ये है मशरूम। इस पे क्या लगाया है पापा जी आपने? आटा। अच्छा, ओके। आटा, आटे से देखो इस तरीके से क्लीन कर देते हैं मशरूम को। और ये है मटर और टमाटर। आपको समझ आ ही गया होगा आज बन रहे लग रही है हमारे घर में मटर मशरूम की सब्जी। और ये देखिए, मैंने बाबू को भी अभी अभी सुलाए है, जस्ट अभी सुला के अभी फ्री हुई हूँ। थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है बाबू को, तो अच्छी बात है, आराम हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा बाबू को। मैं पापा जी को बोली कि आज मेरे को किचन में आपके लिए सब्जी बनाने दो। पापा जी बोलते ठीक है बना ले। मैं कहा आप बताते रहना, कुछ गलती करूँ गड़बड़ करूँ तो आप हो ही बताने के लिए। तो बोलते ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने हींग और जीरा ऐड कर दिया था। उसी वक्त तेल गरम था, तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए चला देंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और थोड़ी देर चला लेते हैं। पापा जी ने मेरे लिए ना मसाले की प्लेट खुद लगाई है। बोलते तू मसाले कम डालेगी। मैंने कहा आपको जितने हिसाब है ना आपका मसालों का, वो आप बना के एक प्लेट मुझे दे दो। तो ये देखिए, अब इन मसालों को हमारी सब्जी में ऐड करने का टाइम आ गया है। अभी हम इसको अच्छे से चला देते हैं। मसाला कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मटर। पहले मटर ऐड करते हैं 4-5 मिनट, ताकि अच्छे से ये भून जाए। हमारे देखिए मटर भी हल्के हल्के से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मशरूम। ये मशरूम ना देखो दिखने में कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही सब्जी बनेगी ना ये बिल्कुल पिचक जाएंगे। वो थोड़ी बनती है सब्जी मटर मशरूम। अभी देखो कितना खिले खिले से कितना लग रहा है ना, पूरा का पूरा ही भर गया है। लेकिन बाद में देखिएगा आपको पता चलेगा कि भाई इतने छोटे रह गए। इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं पानी। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इंतजार सब्जी बनने का। अब जब तक सब्जी बनेगी हम टाइम पास के लिए 2-4 पकोड़े खा लेते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी आज, शायद 10 तारीख है ना। हुआ क्या कि ना मैंने सोचा मैं पूरे दिन में एक टाइम खाना खाऊंगी, बट मेरे से हो नहीं रहा। मेरे पेट में ना ऐसे ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ खाना है, भूख लग रही है। उससे बढ़िया मैं सुबह कम रोटी खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ। मैंने आज 3 खा ली, इस चक्कर में कि पूरा बाकी दिन भूखा रहूंगी, और अब रहा भी नहीं जा रहा है। कुछ और प्लान करेंगे, कुछ और सोचेंगे, है ना। तो आप भी खा लीजिए आलू के पकोड़े। इतने मेरी सब्जी तैयार होती है। इतने ये देखिए पतीले में रखा हुआ है दूध। यहाँ मैं नाप के एक गिलास ले रही हूँ। मैं मलाई के साथ ही ऐड करूंगी। ये देखिए पूरा एक गिलास दूध मैंने लेके इसमें पतीले में ऐड कर दिया है, और एक से ज्यादा ही लूंगी क्योंकि मेरा को ना ऐसे हो जाता है आ जाएगा दूध। मैं कितना सा रख रही हूँ बस चाय के लिए, और रखा होगा फ्रिज में आई होप। तो अब देखिए दूध को मैंने रख दिया है साइड में।
और ये है मेरा, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हमारी नेस्कॉफी। और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है आज आपके लिए इस वीडियो में, है ना पापा जी? हमने पापा जी और हमने प्लान किया है। तो इसमें देखिए कॉफी के बाद मैं चीनी ऐड करूंगी, ये गई चीनी। अब हम क्या करेंगे, इसको तेल को रखते हैं साइड में। यहाँ देखो मैं चार्जर ना हमेशा यही फोन चार्ज करती हूँ अपना, क्योंकि ये रसोई में ही रहता है। तो मैंने ग्राइंडर मंगवाया जिस पर्पस से था, वो पर्पस पूरा हो रहा है। और क्लोजअप लेना पापा जी, नजदीक से दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखिए इसे हम बाद में वॉश कर देंगे। हमारी कोल्ड कॉफी बनके हो गई है तैयार। इसको देखिए, इसे मलाई थी ना, इसलिए इस तरीके से इसको दो बार मैंने कर दिया है। अरे वाह पापा जी, पियोगे? ना बस ना, ये है मैं नहीं हमारी पी। कोल्ड कॉफी। नहीं पी रहे? ना मैं तो चाय मैं पी लूँ पी। फिर। ओ मैं तो चाय जो पी रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक नंबर की बनी है। एक बार हम अपनी सब्जी भी चेक कर लेते हैं, लगता है बनने ही वाली है। पापा जी देखना, इसमें ऐड कर दूँ ना धनिया? ठीक है, हाँ ये देखिए मैंने इसमें धनिया धनिया भी ऐड कर दिया है। अब देखिए जी कैसी बन रही है सब्जी हमारी, मटर मशरूम। देखिए जो सरप्राइज है अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखिए शादी, वो भी इतने सालों बाद हमारे घर में। देखो पहली शादी हुई थी आज से 7 साल पहले, उसके बाद हुई थी आज से 5 साल पहले, और अब होगी नेक्स्ट शादी हमारे घर में, है ना? इतने टाइम बाद खुशियाँ आएंगी, 5 साल बाद जाके, और कितना कुछ इस बीच हमने देख लिया। तो एक ओकेशन आया है तो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो देखिए हर चीज बढ़िया करेंगे अच्छे से, टॉप क्लास, क्योंकि ये हमारे यहाँ की, हमारी इस घर की तो आखिरी शादी है ना। देखो मेरे भाई की भी हो चुकी, मेरे बड़े भाई की, मेरी भी हो गई, अब किसकी थर्ड नंबर पे बचा है, मेरा छोटा भाई, है ना? तो लास्ट शादी है तो इसको बढ़िया धूमधाम से बनाना है, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो ये देखिए मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी, अपना घर भी सजाना, सारा डेकोरेट करना पूरा प्रॉपर बढ़िया तरीके से, है ना? तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लेकर आई हूं मैं। ये एक्चुअली दिवाली पे लेकर आए थे कि दिवाली पे घर डेकोरेट करेंगे, बट हमने नहीं किया उस टाइम, आप जानते ही हो क्या क्या, बस माइंड ऐसा ही हो रखा था। और ये मैं कहा पापा जी इस बार ना अब हम अपना घर सजाएंगे, तो ये देखिए ये सारी, इतनी सारी लड़ियां हैं, ये घर को हम इनसे सजाएंगे। इसमें अलग अलग तरीके की हैं, मैं आपको चला के, आई होप सो यहाँ पे चला सकती हूँ क्या, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसको बंद करके, कि आपको कलर तो पता चल जाए ना कि ये है कौन कौन से कलर्स इसमें, मतलब पूरा डेकोरेट करेंगे हम इस घर को, डेकोरेट करेंगे। पहले मैं हर घर डेकोरेट करने वाली हूँ, ठीक है? पहले इससे शुरुआत करेंगे जिस घर में हम रहते हैं, उसके बाद जिस घर में मेरी मम्मी रहती है उस घर को भी हम डेकोरेट करेंगे लड़ियों से। और ये तो अभी लड़ियाँ हैं, और भी बाजार से मैं बहुत सारी लड़ियाँ लेकर आऊंगी, बहुत अच्छे से सजाऊंगी। देखिए कोई कहता है कि शादी से 2 दिन पहले घर सजा देते हैं लड़ियों से, कोई 3 दिन पहले, कोई 4 दिन पहले, पर मेरा मानना ये है पहला फंक्शन हो गया ना हमारे घर का, हवन हुआ ना, सब कुछ हुआ ना बढ़िया, तो अब हम, पता तो चलना चाहिए ना मोहल्ले में सबको कि हमारे घर में शादी है। तो इसीलिए टाइम मैटर नहीं करता कि शादी कितने टाइम बाद है, अभी जो फंक्शंस होने वाले हैं, अभी रिसेंटली होंगे, जो आगे भी होंगे, तो लड़िया मैं नहीं उतारूंगी मेरे घर से जब तक शादी नहीं हो जाती, उसके बाद ही, शादी के बाद ही ये लड़िया उतरेंगी। मैटर नहीं करता शादी कब हो, कितनी देर में हो, वो तारीख मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर, लेकिन हम अब लड़िया लगा ही देंगे घर में। तो आप देख सकते हो ये वाली जो लड़ी है इसमें रेड ब्लू ग्रीन येलो इस तरीके का है। चलो एक तो मैंने लड़ी पूरी, एक वाली तो चेक कर ली है, ठीक भी है, एक बार पता तो चले। अब सेकंड ये वाली भी सेम ही लग रही है मुझे ना, मुझे लग रहा है हम दो पेयर्स लेकर आए होंगे ये वाले, हाँ, पर ये है लंबी, ये काफी स्पेस कवर कर लेगी। इसके लिए ये देखो, वैसे एक बार तो पापा जी मना कर रहे थे, बोलते ये एक्सटेंशन बोर्ड मत लगा, क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, ये ना ब्रांड का था, मैं लेकर आई थी, करीबन 650-700 रुपए का है, वरना नॉर्मली 250-300 रुपए के एक्सटेंशन बोर्ड आ जाते हैं, बट ये अच्छा वाला है, कम स्पेस लेता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे बाहर लगा देंगे, ये इसी में ही लगा देंगे ये सारा सेटअप कर।
तो बस अब मेरा एक ही है, मैं देखिए अपने इस घर को पूरा दुल्हन की तरह सजाना है। और अभी आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा और कौन कौन से टाइप की लड़ियां आती हैं। देखो ये तो कलरफुल वाली है, इसमें कुछ हम जैसे वो भी तो आती है ना, जैसे जो बल्ब की तरह दिखती है, येलो येलोइश वाली नहीं होती लाइट बीच बीच में, अगर हम वो भी लगाएं। मतलब मैं चाहती हूँ कि घर का ना पूरा आगे का फ्रंट में कवर करना चाहती हूँ। ये तो बहुत कम लड़ियां हैं, मैं और ज्यादा अच्छे से लगाना चाहती हूँ। इवन मैं डेकोरेशन के लिए और भी कुछ चीजें मैंने दिमाग में है, वो मैं सोच रही हूँ। इसके अलावा हम अपना मंदिर भी डेकोरेट करेंगे, वैसे तो देखो अच्छे से सजा ही रखा है, लेकिन और अच्छे से सजाएंगे, है ना, और बढ़िया तरीके से। क्योंकि देखिए बहुत सी जगह ओकेशंस होंगे जिसमें पूजा वगैरह करनी होगी, या तो मंदिर में जाके करें या फिर खुद एक अपने घर में एक अच्छा सा मंदिर सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा बढ़िया वाली मूर्तियां ले आते हैं थोड़ी सी, ताकि एक जगह पे पूरी फैमिली आके बैठ सके, है ना। बट ये मुश्किल मुझे लग रहा है कि मेरे घर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको पता है मेरा घर थोड़ा छोटा है, जैसे थोड़ा बहुत पूजा पाठ के लिए कॉर्नर तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे लग रहा है या तो बड़ा मंदिर लाना पड़ेगा, है ना, लकड़ी का मिल जाएगा, देखते हैं, पता करती हूँ मैं कितने रुपए तक का आता है। बट वो भी बात है ना, मेरा घर में तो स्पेस नहीं है, फिर उसी बड़े घर में ही होगा, मंदिर लाना पड़ेगा एक बड़ा, ताकि वहां पे अगर करना है तो, अदरवाइज मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। बट बार बार पूरी फैमिली तो नहीं जाएगी मंदिर, है ना, घर पे एक मंदिर बनाना पड़ेगा अच्छा सा। चलो वो भी हम प्लान करेंगे, बट घर को दुल्हन की तरह सजाएंगे हम, और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है अगली नेक्स्ट वीडियो तक। अभी पापा जी बाहर पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इतने मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी कह रहे हैं घंटे में करेंगे, तो पापा जी और मैं मिलके पूरा आगे का फ्रंट सजाएंगे। और भी कुछ आइडियाज हो मुझे बताइएगा, हो सकता हो मैं कुछ और पौधे भी लेकर आऊं, प्लांट्स लाऊं, जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी, जितना मेरा बजट बनेगा, है ना। डेकोरेशन तो बढ़िया करनी है, तो मुझे कमेंट करके और आइडियाज भी दीजिएगा। ये सारा भी मैं ठीक करवाऊंगी, जो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है दीवार, अच्छी बनवाऊंगी। तो ठीक है जी, लेकिन इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ सरप्राइज शेयर करूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और रोज बस देख लीजिएगा। बाय बाय, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव।